हेलो जी कैसे हो आप सब घर पे कोई है नहीं मम्मी भी नहीं है विहान बाबू भी नहीं है वहाँ उस घर गए थे और अब मेरा ना ऐसे हो रहा है अंदर से मतलब अभी मन नहीं कर रहा जाने का गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ तो मैं कहा चलो मैं अपने ना कपड़े ट्राई करके देख लेती हूँ ड्रेसेस पहन के देख लेती हूँ तो देखो मैंने ये ड्रेस पहनी है अपनी रुकी मैं इसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ और पहन के दिखाती हूँ एक ये वाली ड्रेस है मेरी आ, एक सेकेंड पोर्ट लगा देती हूँ फिर मैं इसकी फुल लुक आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ है गाने की वो गाने का मन कर रहा है सुना देती हूं आपको खुद ही दिल का रोग ल... नहीं थोड़ा अच्छे से गाती हूँ खुद ही दिल का रोग लगाए खुद ही बैठा रोई नैनारी नैना तुझसे बुरा ना है, बस मुझे गाना वाना आता नहीं है वैसे गाना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मुझे पता है बस ऐसे ही थोड़ा सा गुनगुनाने का मन कर रहा था तो मैंने गा लिया और अकेली बैठी और क्या करूं सारा काम करे बैठी हूं खाना बना लिया सफाई कर ली अब करूं क्या मम्मी और विहान आ ही नहीं रहे और इतनी गर्मी हो रही है ना पापा जी के पास फ़ोन मिलाया है मैं कहा विहान को छोड़ जाओ दो तीन घंटे हो गए मेरा मन ही नहीं लग रहा विहान के बिना और ऐसे ही होता है बताओ मम्मी लेकर वहाँ चले गए हैं अब मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि विहान कब आएगा यहाँ पे चलो कोई सूट पहनते हैं सूट पहनते हैं मैंने सूट पसंद किया है फाइनल मैं ये पहनूंगी आज और इसके नीचे ना कुर्ती के मैंने जीन्स ही कैरी कर ली बट लूज़ हो गया देखना कितनी फिटिंग की इसको इतना होना चाहिए कितना एक्स्ट्रा है कोई नहीं ढीला ढाला भी कुर्तियाँ लड़कियाँ पहन ही लेती हैं और मेरा विहान के बिना सच में मन नहीं लग रहा मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं रो पड़ूंगी मेरे को तीन घंटे हो गए यार विहान के बिना मैं फ़ोन पे फोन पापा जी को मिलाए जा रही हूँ पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा है मेरे को दे जाओ और बाबू आ जा ना यार मेरे पास आ जा मन नहीं लग रहा बाबू के बिना मेरा बिल्कुल भी अब यही हो रहा है डेली डेली ना इस बार मुझे ना बातचीत करके बात क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि कई मैं यहाँ पे होती हूँ तो कई बार क्या होता है मम्मी वहाँ ले जाते हैं विहान को और देखो गर्मी के टाइम दोपहर को दो तीन बजे मैं वहाँ पैदल अब कैसे जाऊँ इतनी तेज़ गर्मी में धूप में और वो तो जैसे मतलब अब मतलब लेकर भी जाना है तो घंटे के लिए ले जाए इतना इतना तो बहुत होता है एक घंटे के लिए तो छोटा बच्चा है या फिर मैं वहाँ पर हूँ तब मैं अपने साथ ले ही जाती हूँ वैसे तो बट अब ना मेरे को ऐसे हो रहा है यार सुबह से बेचारा अब मेरे बिना पता नहीं क्या अब रो भी रहा हो वहाँ पे अब मैं क्या करूँ यार आ, ये दिक्कत मुझे मुझे अच्छा नहीं लगती ये चीज कि मतलब मेरे को ना ये है कि देखो ना अब वहां पे है अब मैं वहां से अब कैसे बच्चे को लेकर आऊँ मैं मतलब ये चीज मेरे को मूड खराब कर रही है इस चीज मेरा मेरे को मेरा रुहान चाहिए है कितनी देर हो गई है यार मैं उसके बिना तीन घंटे से मैं बैठी हूँ बच्चा भी मेरे बिना बैठा हुआ है मतलब खुद से ये चीज़ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप लेकर गए हो बच्चे को मम्मी लेकर गए हैं तो जिम्मेदारी से पापा जी या कोई वापस भी लेकर आए ना घंटे में छोड़ जाए बच्चा कितनी देर रहेगा माँ के बिना अब अब मेरे को फ़ोन पे फ़ोन मिला रही हूँ कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा मैं क्या करूँ मुझे या तो खुद ही गर्मी में अब निकलना पड़ेगा और मैं निकलना नहीं चाह रही थी गर्मी में मैं डेली धूप में घूमती रहती हूँ पूरा दिन मेरे ऐसे चक्कर लगते हैं विहान की वजह से मुझे कभी वहाँ जाना पड़ता है कभी इधर आना पड़ता है मैं बस आज बातचीत करूंगी और बात करके कहूंगी कि बच्चे को लेकर जाना है शाम को ले जाए जब गर्मी भी नहीं होती घंटा डेढ़ घंटा क्योंकि दो घंटे शाम को मैं वहीं होती हूँ तो वहाँ पर ठीक है पर ऐसे नहीं इस टाइम उसको खाना मैंने यहाँ बना रखा है विहान के लिए दूध गर्म कर के बोतल में भर रखा है अब ऐसे पता भी नहीं चलता ना बच्चा एक हाथ में पले तो समझ आता है अब मम्मी ने क्या खिलाया मैंने क्या खिलाया इस बीच में ना मतलब बच्चा भूखा रह जाएगा ना ऐसे तो मेरे को लगेगा मम्मी ने खिला दिया मम्मी को लगेगा कि निधि ने खाना खिला दिया है तो फोन पे फोन मिलाया जा रही हूँ कोई फोन नहीं उठा रहा है मैं क्या करूँ चलो निकलती हूँ जाती हूँ मैं बच्चे के बिना तो अब रह नहीं सकती गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ोन पे फ़ोन मिला रही हूँ उठा नहीं रहा है तो मैं खुद ही जाती हूँ बच्चे से मैं बच्चे से मैं से नहीं रह जा रहा अब और इतनी देर भी आने के बिना मैं जा रही हूँ ये खाना फिर लेकर आऊँगी स्कूटी भी ले आऊँगी आते हुए तो मैं क्या करने क्या कर रही हुई थी मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर हाँ 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 मुंह ढक ही जाऊंगी यार गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना पूरे डेली धूप में घूम घूम के ना मेरा फेस पे टैनिंग होने लग गई है एक मिनट यार एक मिनट कैसा दुपट्टा है ये एक सेकेंड मैं बांध लू या लगा देती हूँ मैं ट्राईपोड इतने एक सेकेंड ठीक है को बांध के फिर मैं एक और फोल्ड कर लेती हूँ ना बिल्कुल धूप नहीं लगेगी फिर चेहरे पे सांस नहीं आएगा लेकिन हाँ ठीक है तो अब ताला लगा के मैं विहान से आप सबको भी मिलवा देती हूँ विहान की एक पेंट ले जाती हूँ कहीं ऐसा ना हो ना कि उसने सूचू कर दिया और बाबू ने कुछ भी ना इसमें रख रखे हैं विहान के कपड़े यही वाली ले जाती हूँ और थोड़ी सी डांट लगाऊंगी सबके कि मम्मा को दूर क्यों करा बच्चे से मम्मा का मन नहीं लगता एक मास्क भी ले जाती हूँ अपना क्योंकि क्या पता मुझे ना वहीं से वही मार्केट भी जाना पड़ जाए पापा जी कह रहे थे बैंक का काम करना है तुझे जाना पड़ेगा तो वो भी हम करवाएंगे दरवाजा बंद करती एक सेकंड दोगे आप मुझे तो इसे लोक लगा दूं ये ऑटोमेटिक लोक है हो गया बंद गर्मी है पर बाबू से मिले बिना नहीं रह सकती अब मैं बहुत देर हो गई चलो वही चल के आपको भी से मिलवा दूंगी तो जी मैं आ गई हूँ और बाबू से मिल लीजिए काफी टाइम हो गया ना बाबू से नहीं मिले और अब्बा अब्बा कह रहा है आप सबके साथ ही अब्बा कर रहा है अब्बा 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 बा ना। ना। मैं wow, मेरे ऊपर तो बस बाबू ने कान लिए हैं कान मेरे पे है बाकी पूरा फुल टू कॉपी है सनी की जब इसको देखती हूँ तो सनी की और याद आती है मुझे क्योंकि इसका फेस पूरा सनी पे है ये 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 चीज पूरा का पूरा दे, 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 ओ बो आओ कितने दिन बाद आए हैं बाबू हो बाबू बहुत दिनों बाद आए हैं ना आप सबके सामने ऐसे

दी मम्मा ने ओ मेरे बच्चे और ओए ये देखिए इसे गले में नजर का धागा भी पहना दिया है ये देखिए ये इसमें नजर सुरक्षा है ना ये वाला पहना दिया है रुकिए मैं आपको क्लोजअप से दिखा दू ये पहना दिया काले धागे के साथ यी। 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 बाबू ई चलिए अपना ध्यान रखिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और लाइफ के हर मोमेंट को अच्छे से इंजॉय कीजिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिएगा बस यही कहूँगी बाय बाय टेक केयर बाबू बाय बोल दे बाय दूसरा हाथ मुँह में नहीं लेते मुँह में बिल्कुल नहीं लेना मुँह में नहीं लेना चलिए बाय बाय टेक केयर